देखो सूरज भगवान निकल रहे हैं, देखो 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 सूरज भगवान निकल रहे हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडे रैप 28। जय जय, तो हाथ भी तो उठाओ, खाली बोल रहे हो। जय हर हर महादेव की, जय हर हर महादेव की जय। क्या हुआ, दोनों हाथ उठा लो उठा लो उठा लो। जय, अरे वाह, जय राधे राधे, जय जय। हाथ उठाओ ना। तो सुबह होते ही मैं रूबल को बाहर लेकर आ जाती हूँ और ये लॉन में बाहर की रोशनी, प्राकृतिक रोशनी आ जाती है और यहीं पर ये बैठते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर बैठना। नेचुरल लाइट और चिड़ियों की आवाज़ बेटू को बहुत पसंद है। उठ गए, लाजा बेटा, गुड मॉर्निंग हो गया है, गुड मॉर्निंग हो गया है ना, लाजा बेटा। हाँ गुड मॉर्निंग हो गया, राजा बेटा, प्याला बेटा, राजा बेटा, रूबल, गुड मॉर्निंग हो गया, राधे राधे हो गया है, राधे राधे, राधे राधे, जय जय कर दो, जय। जय 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 हर हर महादेव की जय जय। कितना यहाँ पर मैं पानी पी रही थी जिस बॉटल से, तो बेटू मांगे तो मैं वो बॉटल दे दी हूँ इनको। और अब देखिए ये बेटू बॉटल के साथ क्या करते हैं, क्योंकि इनको बॉटल बचपन से ही बहुत पसंद है, ये बॉटल के साथ बहुत खेलते हैं। देखिए इनके बढ़ते हुए कदम। देखिए बेटू अब घुसकना शुरू किए हैं थोड़ा थोड़ा। मैं बार बार अब ऐसा ही करती हूँ, जो भी इनको पसंद आता है वो उनसे थोड़ी दूर पे रख देती हूँ, ये लेने के लिए ज़रूर ही आगे की ओर आते हैं। और अब ये बहुत जल्द ही ये भी सीख लेंगे। और सुबह सुबह इस तरीके से इनका एक अच्छा एक्सरसाइज भी हो जाता है। और आज के दिन रूबल बहुत ही पहले सोकर के उठ गए थे, लगभग 4:30 के आसपास ये उठ गए थे। आजकल ये सवेरे ही उठ जाते हैं। अरे ए बेटा, गिर जाओगे ऐसे? ए बेटा, बेटा जी उठिए उठिए, अरे गिर जाइएगा ऐसे? छोटा बेटा है ना, धूप निकल रही है। बेटू उधर चले जाओ, गिर जाओगे ऐसे, ऐसे गिर जाओगे ना, गिर जाइएगा बेटा जी, गिर जाइएगा चुगा बेटा, अली चुगो बेटा। तुम्हारा कपड़ा कहाँ है? कपड़ा कपड़ा सब कहाँ रखा हुआ है बताओ, कपड़ा किधर है बेटू का? अरे अभी तो बताया था बेटू। ए रुबल साहेबजादा, साहेबजादा, ए साहेबजादा, अरे साहेबजादा, पापा पापा बोल दो, नानू बोल दो, नाना नाना बोल दो बोल दो बोल दो। रूबल को साहेबजादा भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि रूबल अपने घर में न्यू जनरेशन स्टार्ट किए हैं और इनसे जो नया जनरेशन है वो शुरू हो गया है, इसलिए रूबल भी साहेबजादा है। और यहाँ पर ये सो रहे हैं, सो गए थे नहाने के बाद। बेटू सो गया है और मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ,
और ये लाल साग है, मैं लाल साग बना रही हूँ। और भाजी की बात की जाए तो ऐसा हरा जो भाजी होता है वो आप लाओ तो उसी समय बना लो, उसी दिन बना लो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि बहुत जल्दी ये मुरझाने लग जाता है। और साथ में मैं यहाँ पे काट रही हूँ करेले का भुजिया। अब ये दो चीज़ मेरा आइटम हो गया है हरा, तो साथ में मैं अब बना दे रही हूँ आलू और पटल की सब्जी, नहीं तो फिर खाना अच्छा नहीं लगेगा। और मेरा यहाँ पर दाल भी बनकर तैयार हो गया है और सब्जी अभी चढ़ा हुआ है। खाना बनाते समय कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना सारा मेहनत बेकार हो जाता है। तो इसीलिए हरे सब्जी के साथ मैं यहाँ पर बना दी हूँ एक आलू पटल की सब्जी। यहाँ पर मेरा भुजिया तैयार है करेले का, और साग भी तैयार है, भाजी जो है लाल वाली वो भी तैयार है बन कर के, और बेटू भी अब उठ गए हैं तो उनको मैं दाल यहाँ पर पिला दे रही हूँ, क्योंकि आजकल ये भी बहुत नखड़ा करने लग गए हैं दाल भी पीने में। और दाल में मैं घी डाल करके इनको पिलाती हूँ, गाय का घी डालती हूँ उसमें। और यहाँ पर हम लोग फ्रूट्स खा रहे थे तो बेटू को भी एक स्लाइस दे दी हूँ। एप्पल, ए फॉर एप्पल। बोलो ये वाला कंफर्ट का इतना अच्छा सुगंध है, मजा आ जाता है। मैगी बना दे, बेटू भी खाएगा मैगी, एप्पल खाएगा एप्पल। सुबह से शाम तक काम करते रहो लेकिन हमारे पति देव जी का फरमाइश तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। नहीं नहीं, फ्रिज में आपको लगा क्या? नहीं, हम मॉर्निंग में ही निकाल कर रख दिए थे पानी में करके सुबह में, क्योंकि हम इसका बनाने वाले थे बेटू के लिए, फिर छोड़ दिए, सोचे कल बनाएंगे। अब एप्पल है, कोई दिक्कत नहीं। एक एप्पल का टुकड़ा दे दी हूँ, उसके पीछे इतना क्वेश्चन किए जा रहे हैं। हाँ वही करेंगे, स्टीम करके बनाएंगे। मैं सोची कि जो तीथर ये यूज करते हैं तो क्यों ना एक टुकड़ा एप्पल का दे दूँ। चलो कवर साफ ही है, इनको थोड़ा सा फ्लेवर भी जाएगा और थोड़ा हैबिट भी बनेगा, आगे के लिए अच्छा रहेगा। नहीं उठ रहा बेटा, थोड़ा गपाएगा, हल्का फ्लेवर तो जाएगा। कोई बात नहीं, पहले तो बच्चा मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा हुआ होता है, ये तो इतना सोफा पे रहता है, क्या है गंदगी, कुछ भी नहीं। मिट्टी कहाँ से लाए, खेलाए मिट्टी में। पापा जी बोल रहे मिट्टी में खेला दो। है बेटू, ए बेटू, इसको अच्छा लग रहा है इसका फ्लेवर, देखे ही छोड़ ही नहीं रहा। चलो करो इंजॉय, जा रहे मैगी बनाने। तो आज मैं मैगी बिल्कुल प्लेन ही बनाऊंगी, वेजिटेबल नहीं डालूंगी इसमें, क्योंकि वेजिटेबल अभी मैगी में डालने वाला मेरे पास है भी नहीं, तो मैं सिर्फ अनियन और गार्लिक के साथ ही बनाऊंगी। और यहाँ पर मैं लहसुन अभी डाल दी हूँ इसमें, थोड़ा सा सुनहला हो जाता है तो अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके बाद सारे कटे हुए प्याज और हरी मिर्च इसमें मैं डाल दूँगी, और बस इतना ही सही, और टमाटर डाल करके हम बना लेंगे। आ रहे सुधा, बोलो ना क्या हो गया, क्या हो गया लल्ला को, क्या हो गया लल्ला को, क्या चाहिए मेरी सोना बेटा को, क्या चाहिए? अरे अभी सिरप पिलाए ना आपको, अब ठीक हो जाएगा, अब तुम्हारा कफ ठीक हो जाएगा। और ये गाड़ी, ये कौन चलाएगा, ये किसकी गाड़ी है? हाँ ये गाड़ी किसकी है, ये बेटू की है। रूबल का है। अरे तुम्हारा। और यहाँ पर मेरा मैगी बनकर तैयार भी है। मैं सोच रही थी कि घर में
वाइफ कितना भी काम कर ले, लेकिन हस्बैंड लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो कुछ करती ही नहीं है। और जितना हो सके उतना फरमाइश तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं पूरा करने के लिए, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन जो होता है वो जेंट्स लोगों के अंदर नहीं आ पाता है। तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, ये तो दिन भर में एक बार सुनने को मिल ही जाता है। और ये कोई एक घर की बात नहीं है, जहाँ तक मैं बात करूँ तो लगभग घरों में ऐसा ही होता है, तुम करती क्या हो पूरा दिन, ये तो ज़रूर ही सुनने को एक बार मिल ही जाता है। भले ही आपका पूरा दिन क्यों ना चला जाए, आप बिल्कुल रेस्ट नहीं लें, फिर भी चलिए ये सब बातें तो और है, दिल में आया तो मैं बोल दी। और यहाँ पर मेरा रात्रि का भोजन है जो बनकर तैयार है, तो मैं मैं यहाँ पर सत्तू पराठा बना रही हूँ, तो इसे मैं स्टफ़ करके और बेल करके बना रही हूँ, थोड़ा थोड़ा घुमा करके ऑयल डाल करके बना दे रही हूँ। और साथ में मैं टमाटर पका दी हूँ गैस पर, और उसमें लाल मिर्च पका करके अनियन और लहसुन डाल करके उसकी चटनी बना लूँगी। और तो ये मेरा रात्रि का भोजन भी अब बिल्कुल बनकर तैयार है, और ये अच्छा भी लगता है खाने में और थोड़ा हेल्दी भी रहता है। और जब मैं घर से आ रही थी तो मार्केट में सत्तू अच्छा एक दुकान है दरियापुर नौबतपुर में, तो वहीं से मेरे हस्बैंड पिसवा करके लेकर आए थे और उसी का मैं बनाई हूँ। तो फ्रेंड, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दें। इंडिया अफगानिस्तान का आज मैच था, इंडिया जीत गया, विराट कोहली का शतक भी लग गया था, और बेटू को देखिए कैसे मैच देख रहे हैं। फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।